बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अफाक्सन सीरीज़ ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 10 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 10 ऑल अबाउट स्पोर्ट्स, यानी खेल से मुतल्लिक या खेल के बारे में। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने इसके लेसन की रीडिंग की, ऑल अबाउट स्पोर्ट्स। लेसन में हमने एक डायलॉग पढ़ा जिसमें हमारे पास टू पार्टीज़ थी, फर्स्ट पार्टी फहद, सेकंड पार्टी बाबर। इस डायलॉग में बाबर ने फहद को स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया और उसके अलावा स्पोर्ट्स के कुछ रूल्स के बारे में बताया। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 10 के ओरल कम्युनिकेशन के टॉपिक से। ओरल कम्युनिकेशन, ज़ुबानी बातचीत या ज़ुबानी गुफ्तगू, फोनिक्स प्रैक्टिस, आवाज़ों की मश्क। फोनिक्स प्रैक्टिस में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिलेबल्स। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं कि सिलेबल्स क्या होते हैं। Words containing a single vowel sound are called one syllable words. ऐसे अल्फाज जो कि मुश्तमिल हो, containing यानी मुश्तमिल, एक यानी single vowel sound पर, उनको one syllable word कहा जाता है। Words containing more than one vowel sound are called multi-syllable words. जबकि ऐसे अल्फाज जिनमें एक से ज़्यादा vowel sounds मौजूद हों, उनको multi-syllable words कहा जाता है। यहाँ पर आपको डिफ़ाइन किया गया है वन सिलेबल वर्ड एंड मल्टी सिलेबल वर्ड्स। मैं आपको यहाँ पर सिलेबल्स के बारे में बताना चाहूँगी कि सिलेबल्स क्या होते हैं। जब हम वर्ड्स को उनमें मौजूद वोवल साउंड्स के बेसिस पर तोड़ते हैं तो उनको सिलेबल्स कहा जाता है, यानी जब हम उनको बीट बाय बीट पढ़ते हैं। अब वोवल साउंड्स क्या है? हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट्स 26 हैं जिनमें 5 वोवल्स हैं, जो के हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और वाई हमारे पास सेमी वोवल है, और जो रिमेनिंग है उनको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। तो जब भी वर्ड में ये वोवल साउंड्स आएंगे तो उनकी बेसिस पे हम वर्ड को सिलेबल्स में डिवाइड करते हैं। कुछ वर्ड सिंगल सिलेबिक होते हैं जबकि बास मल्टी सिलेबिक होते हैं। अब टॉपिक को रीड करना स्टार्ट करते हैं। रीड अलाउड, बुलंद आवाज में पढ़िए द गिवन वर्ड्स दिए हुए अल्फाज को विद देयर सिलेबल्स, इनके सिलेबल्स के साथ। फर्स्ट, स्पोर्ट। अब इसमें आप देख सकते हैं एक वोवल साउंड मौजूद है जो कि है ओ, तो ये सिंगल सिलेबल वर्ड है। सेकेंड, फुट बॉल, ये हमारे पास मल्टी सिलेबिक वर्ड है, इसमें टू सिलेबल्स मौजूद हैं। फेवरेट, फे वर एट, इसमें 3 सिलेबल्स मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हर सिलेबल में वोवल साउंड मौजूद है। लास्ट, वाटरमेलन, 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 इसमें 4 सिलेबल्स मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रीड अलाउड द वर्ड्स बिलो, नीचे दिए हुए अल्फाज को बुलंद आवाज में पढ़िए। राइट इन द गिवन बॉक्सेस हाउ मेनी सिलेबल्स ईच वर्ड हैज, और नीचे दिए हुए बॉक्सेस में लिखिए कि हर वर्ड में कितने सिलेबल्स मौजूद हैं। फर्स्ट वर्ड है इम्पॉर्टेंट, एम पॉर टेंट, इसमें 3 सिलेबल्स हैं। रिस्पेक्ट, री स्पेक्ट, 2 सिलेबल्स। वेस्ट, ये सिंगल सिलेबिक वर्ड है। नेक्स्ट, हेल्दी, हेल्दी, इसमें 2 सिलेबल्स हैं। लास्ट है हेलीकॉप्टर, हेल ई कॉप टर, इसमें 4 सिलेबल्स हैं। हेल ई कॉप टर, हेलीकॉप्टर। तो यहाँ पर हमने इन 5 वर्ड्स को रीड किया और देखा कि इनमें कितने कितने सिलेबल्स मौजूद हैं। फर्स्ट है इम्पॉर्टेंट जिसमें 3 सिलेबल्स थे, इम्पॉर्टेंट। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। वेस्ट, सिंगल सिलेबिक वर्ड। हेल्दी, हेल्थ ई। हेलीकॉप्टर, इसमें 4 सिलेबल्स हैं। हेल ई कॉप्टर, हेलीकॉप्टर। तो यहाँ पर हमारा सिलेबल्स का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस। लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, प्रैक्टिस मश्क करना, यानी सुनने और बोलने की मश्क। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। दिए हुए डायलॉग को पढ़िए और इसकी मश्क कीजिए। डायलॉग कहते हैं मुकालमे को। मुकालमा या डायलॉग कहते हैं दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान की बातचीत को। यूनिट नंबर 10 में जो हमने लेसन की रीड किया था वो भी एक डायलॉग था, जिसमें हमारे पास टू पार्टीज थी, फहद एंड बाबर। अब यहाँ पर हम एक और डायलॉग को रीड करेंगे। इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्टी है मिस्टर सुल्तान। हाई बॉयज, हाई बॉयज, आई एम योर न्यू स्पोर्ट्स टीचर। मैं आपका नया स्पोर्ट्स टीचर हूँ। टेल मी, मुझे बताइए, व्हाट योर फेवरेट स्पोर्ट्स आर, कि आपके पसंदीदा स्पोर्ट्स कौन से हैं। स्पोर्ट्स यानी खेल। तो यहाँ पे हमने डायलॉग पढ़ा फर्स्ट पार्टी का, जो कि है मिस्टर सुल्तान, जो कि बच्चों से कह रहे हैं कि मैं आपका नया स्पोर्ट्स टीचर हूँ और आप मुझे बताइए कि आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है। इजाज। सेकेंड पार्टी, आई लाइक टू प्ले बास्केटबॉल, मुझे बास्केटबॉल खेलना पसंद है। थर्ड पार्टी मदीहा, आई डोंट लाइक बास्केटबॉल, मुझे बास्केटबॉल नहीं पसंद। आई लाइक बैडमिंटन, मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है। बाबर। ये फोर्थ पार्टी है, आई लाइक टू प्ले वॉलीबॉल, मुझे वॉलीबॉल खेलना पसंद है। मिस्टर सुल्तान, दैट्स वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। यू ऑल लव स्पोर्ट्स, कि आप सबको स्पोर्ट्स पसंद है, सबको खेलना पसंद है। वी मस्ट प्ले स्पोर्ट्स, हमें स्पोर्ट्स ज़रूर खेलने चाहिए। दे कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये हमें सेहतमंद, स्ट्रॉन्ग और मजबूत रखते हैं। मिस्टर सुल्तान ने उनको बताया कि हम सबको स्पोर्ट्स ज़रूर खेलना चाहिए, क्योंकि ये हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखता है, यानी सेहतमंद और मजबूत रखता है। तो यहाँ पर हमने इस डायलॉग को रीड किया, जिसमें मिस्टर सुल्तान ने बच्चों से उनके फेवरेट स्पोर्ट्स के बारे में पूछा और फिर एंड में उनको बताया कि स्पोर्ट्स की क्या इम्पोर्टेंस है, कि वो हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा डायलॉग एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, कम्प्रहेंशन टाइम। आंसर दीज क्वेश्चंस, दिए हुए सवाल के जवाब दीजिए। पहले इन क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं, फिर वन बाय वन इनके आंसर्स को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वॉज बाबर गोइंग एंड वाई, बाबर कहाँ जा रहे थे और क्यों। क्वेश्चन नंबर 2, हु डिड नॉट लाइक स्पोर्ट्स एंड वाई, किसको स्पोर्ट्स खेलना नापसंद था और क्यों। क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर स्पोर्ट्स इम्पॉर्टेंट, खेल की क्या अहमियत है। इम्पॉर्टेंट यानी इसकी अहमियत क्या है, ये क्यों अहम है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर सम रूल्स, क्या कवानीन हैं टू बी फॉलोड, जिनकी पैरवी करनी चाहिए। इन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में, कि खेल के मैदान के क्या रूल्स हैं, इसके क्या कवानीन हैं। लास्ट क्वेश्चन, विच स्पोर्ट डू यू लाइक टू प्ले, आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है, Why? क्यों। इन questions के answers read करने से पहले आप इस lesson all about sports की reading एक दफ़ा ज़रूर कर लें। यह आपकी help करेगा इन questions के answers को easily solve करने में। तो अब इन questions के answers को read करते हैं। Unit number 10, all about sports, यानी खेल से मुतल्लिक या खेल के बारे में। Reading and critical thinking, answer these questions, दिए हुए सवालात के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वॉज बाबर गोइंग, बाबर कहाँ जा रहे थे एंड वाई और क्यों। आंसर, बाबर वॉज गोइंग टू द प्ले ग्राउंड, बाबर खेल के मैदान की तरफ जा रहे थे। ही यूज टू प्ले, वो आदि हैं खेलने के फुटबॉल, फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एट 5 PM डेली, रोज़ाना 5 बजे, कि बाबर प्ले ग्राउंड की तरफ जा रहे थे क्योंकि वो रोज़ाना 5 बजे अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेला करते हैं। बाबर वॉज गोइंग टू द प्ले ग्राउंड, ही यूज टू प्ले फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स एट 5 PM डेली। क्वेश्चन नंबर 2, हु डिड नॉट लाइक स्पोर्ट्स एंड वाई, स्पोर्ट्स किसको नापसंद है और क्यों।
ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डायलॉग में किसने इस बात का इजहार किया था कि उनको स्पोर्ट्स नहीं पसंद और उन्होंने उसकी क्या वजह बताई। फहद डिड नॉट लाइक स्पोर्ट्स, फहद को खेल नहीं पसंद बिकॉज क्योंकि ही थॉट, वो सोचता है, इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम कि ये वक्त का ज़िया है। यानी फहद को ये लगता है कि स्पोर्ट्स वेस्ट ऑफ टाइम यानी वक्त का ज़ाया करना है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। फहद डिड नॉट लाइक स्पोर्ट्स बिकॉज ही थॉट इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम। फहद को स्पोर्ट्स नहीं पसंद क्योंकि फहद ये सोचता है कि स्पोर्ट्स वेस्ट ऑफ टाइम यानी वक्त का ज़िया है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर स्पोर्ट्स इम्पॉर्टेंट, कि स्पोर्ट्स की क्या अहमियत है। स्पोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, स्पोर्ट्स अहम है बिकॉज क्योंकि दे हेल्प अस, ये हमारी मदद करते हैं। स्टे कि हम रहें, हेल्दी सेहतमंद एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत, कि खेल इसलिए अहम है क्योंकि ये हमें सेहतमंद और मजबूत रखने में मदद करता है। स्पोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर सम रूल्स, वो क्या कवानीन हैं टू बी फॉलोड, जिनकी हमें पैरवी करनी चाहिए इन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में, कि खेल के मैदान में हमें किन उसूलों का ख्याल रखना चाहिए। फॉलोइंग आर सम सिंपल रूल्स, जेल में कुछ सादा उसूल दिए गए हैं, टू बी फॉलोड, जिनकी हमें पैरवी करनी चाहिए इन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में। टू शो गुड स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज बाई प्लेइंग फेयर एंड बींग काइंड टू अदर्स, कि सबसे पहला उसूल ये है कि हमें खुद में स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज डिवेलप करनी चाहिए। स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज क्या हैं? खेल के उसूलों पर कारबंद होना, कि खुद में हारने और जीतने दोनों का हौसला रखना। बाई प्लेइंग फेयर, कि हमें मसावात से काम लेना चाहिए। एंड बींग काइंड टू अदर्स, और दूसरों के साथ रहम दिली से पेश आना चाहिए। खेल में हमेशा कोई जीतेगा या कोई हारेगा। हमने पिछली वीडियो में काफ़ी सारे स्पोर्ट्स पढ़े जिनमें हमने देखा कि 2 टीम्स होती हैं, एक टीम जीतती है जबकि दूसरी टीम हारती है। तो जब आपके ऑपोजिट टीम में कोई खेल रहा होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके दुश्मन हो गए हैं, बल्कि आपने मसावात से काम लेना है और सबकी इज्जत यानी सबकी रिस्पेक्ट करनी है। खेल को खेल के अंदाज में खेलना चाहिए और हारने पर हिम्मत और हौसला नहीं हारना चाहिए। रूल नंबर 2, नेवर टू पुश और पुल समवन, खेल के मैदान में ना ही किसी को धिक्का देना है, पुश यानी धिक्का देना, पुल यानी खींचना, ना ही इधर उधर भागना है, ना किसी को धिक्का देना है, ना किसी को खींचना है। नेक्स्ट रूल, टू टाई अवर शू लेसेस, अपने जूतों के तस्मे हमेशा बांधने चाहिए। लास्ट रूल, टू यूज़ अ प्रॉपर स्पोर्ट्स किट टू अवॉइड इंजरी, और खेल के वक्त हमें मुनासिब स्पोर्ट्स किट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम हादसात से बचे रहें। अब स्पोर्ट्स किट क्या है, इसके बारे में मैंने आपको समझाया था। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इन बच्चों ने एक खास तरह का लिबास पहना हुआ है, सबने शूज पहने हुए हैं। ये स्पोर्ट्स किट है, यानी ऐसा नहीं है कि आप स्लीपर्स पहनकर प्लेग्राउंड जाएंगे, बल्कि आपको प्रॉपर शूज और प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनना है उसके लिए। इसको स्पोर्ट्स किट कहते हैं और इसके पहनने की वजह से हम काफ़ी सारे हादसात से बच सकते हैं। तो हमने कुछ सिंपल रूल्स पढ़े जिनमें हमने ये पढ़ा कि हमें खुद में स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज डेवलप करनी चाहिए, मसावात से काम लेना चाहिए और सबके साथ रहमदिली से पेश आना चाहिए। नेवर टू पुश और पुल समवन, ना ही किसी को धिक्का देना चाहिए, ना ही किसी को खींचना चाहिए, अपने जूतों के तस्मे हमेशा बांधने चाहिए और मुनासिब स्पोर्ट्स किट का इस्तेमाल करना चाहिए। फॉलोइंग आर सम सिंपल रूल्स टू बी फॉलोड इन द प्लेग्राउंड, to show good sportsmanship qualities by playing fair and being kind to others, never to push or pull someone, to tie our shoelaces, to use a proper sports kit to avoid injury. यहाँ पर हमारा question number 4 end होता है। Question number 5 को हम already read कर चुके हैं, इसको वहीं से revise करते हैं। Question है, which sport do you like to play? आपको कौन सा खेल पसंद है? Why? क्यों? इसका answer read करते हैं। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, इसको यहीं से रीड करते हैं। माय फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट, मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है। बिकॉज आई लव प्लेइंग विद माय फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद है। हिटिंग द बॉल, बॉल को हिट करना, इन ट्राइंग टू गेट लॉट्स ऑफ रन्स, और बहुत सारे रन्स बनाना।
कि मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद है, बॉल को हिट करना और बहुत सारे रन्स बनाना। माई फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट बिकॉज आई लव प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, हिटिंग द बॉल एंड ट्राइंग टू गेट लॉट्स ऑफ रन्स। हमने क्रिकेट के बारे में पढ़ा था कि इसमें टू टीम्स होती हैं, एक टीम बैटिंग करती है जबकि दूसरी टीम बॉलिंग करती है। वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। अब टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। आस्क स्टूडेंट्स टू से द गिवन वर्ड्स विद देयर नंबर्स ऑफ सिलेबल्स। ये फर्स्ट टॉपिक की बात की जा रही है कि बच्चों से कहें कि दिए हुए अल्फाज को इनके सिलेबल्स के साथ पढ़ें। हैव देम काउंट द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन ईच वर्ड एंड राइट देम डाउन। और अल्फाज में सिलेबल्स की तादाद को गिनें और उनकी तादाद लिखिए। आस्क देम टू रीड द गिवन डायलॉग एंड प्रैक्टिस इट विद देयर क्लासमेट्स। के दिए हुए डायलॉग को पढ़िए और अपने क्लास फेलोज के साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिए। डिस्कस द एक्सपेक्टेड आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चंस एंड राइट देम इन देयर नोटबुक्स। के दिए हुए सवालात के एक्सपेक्टेड आंसर्स यानी मुतवक्को जवाबात बच्चों के साथ डिस्कस कीजिए और फिर उनसे कहिए कि उन जवाबात को अपने नोटबुक्स में लिखिए। तो यहाँ पर हमारा डायलॉग एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 85 की तरफ। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ अ डिक्शनरी, डिक्शनरी का इस्तेमाल। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं कि डिक्शनरी क्या है। अ डिक्शनरी इज अ बुक। डिक्शनरी एक ऐसी किताब है विच लिस्ट्स, जिसमें फहरिस्त मौजूद होती है वर्ड्स अल्फाज की इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अलिफ बाई तरतीब में। इट ऑल्सो गिव्स देयर मीनिंग्स और उसमें उन अल्फाज के मानी भी बताए जाते हैं। यहाँ पर आपको डिक्शनरी के बारे में बताया गया है कि डिक्शनरी एक ऐसी किताब होती है जिसमें अल्फाज को लिखा जाता है अलिफ बाई तरतीब से और उनके मानी भी बताए जाते हैं। मैं आपको सैम्पल के तौर पर एक डिक्शनरी दिखाना चाहूँगी। ये है डिक्शनरी। ये इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी है यानी इसमें इंग्लिश वर्ड्स के साथ उनकी इंग्लिश मीनिंग्स दिए गए हैं। इसको खोलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी ये डिक्शनरी अलिफ बाई तरतीब में मौजूद है। यानी पहले सारे वर्ड्स ए के हैं, फिर बी, फिर सी, डी, ई, एफ, जी और इसी तरह इसी सीक्वेंस में इसमें वर्ड्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये है ए, फिर बी, C, D, E, F, G, H, I, J इसमें स्किप हो गया, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z। इसमें आप देख सकते हैं वर्ड्स मौजूद हैं और साथ ही इनके मीनिंग्स मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी बताया जाता है कि आया ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है वगैरह वगैरह। तो ये मैंने आपको डिक्शनरी का एग्जाम्पल दिखाया है। हर स्टूडेंट के पास एक डिक्शनरी का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको एक डिक्शनरी लेकर दें। और अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली अपने बच्चों को एक डिक्शनरी लेकर दें और उनको डिक्शनरी कंसल्ट करना भी सिखाएं कि हम एक डिक्शनरी में एक वर्ड और उसकी मीनिंग को कैसे ढूंढ सकते हैं। वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक को रीड करने से पहले डिक्शनरी की डेफिनेशन को एक दफा फिर से पढ़ते हैं। अ डिक्शनरी इज अ बुक विच लिस्ट्स वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डिक्शनरी एक ऐसी किताब है जिसमें अल्फाज मौजूद होते हैं अलिफ बाई तरतीब में। इट ऑल्सो गिव्स देयर मीनिंग्स और उनमें उनके मानी भी लिखे गए होते हैं। लुक एंड रीड हाउ टू यूज अ डिक्शनरी। देखिए और पढ़िए कि डिक्शनरी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यह आपको डिक्शनरी से एक पोर्शन दिया गया है जिसमें लिखा गया है फ्रॉस्ट टू फिजी। आप साइड पे देख सकते हैं ए बी सी डी ई एंड एफ, यानी ये एफ से वर्ड्स दिए गए हैं आपको। इसके साथ ही आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर दिया गया है मीनिंग यानी मानी और पार्ट ऑफ स्पीच यानी ग्रामेटिकली ये वर्ड क्या है।
वर्ड्स आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और जो दोनों वर्ड्स आपको दिए गए हैं ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, यानी अलिफ बाई तरतीब में मौजूद है। फर्स्ट है फ्रॉस्ट, ये है नाउन, यानी ग्रामर के लिहाज से ये लफ्ज़ जो है ये नाउन है। प्लूरल यानी इसकी जमा आपको बताई गई है कि वो होगी फ्रॉस्ट, यानी ये वर्ड जो है ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल होगा फ्रॉस्ट्स। अब यहाँ पर आपको मीनिंग दिया गया है, आप देख सकते हैं, आइस दैट लुक लाइक पोजर एंड कवर्स द ग्राउंड व्हेन द वेदर इज कोल्ड, कि ऐसी बर्फ जो मौसम के ठंडे होने पर ग्राउंड यानी जमीन पर कवर यानी उसको घेर लेती है। ये कोहरे की बात की जा रही है, जब सर्दियों में हम सुबह उठते हैं तो हर जगह पर हल्की हल्की सी बर्फ होती है, उसको फ्रॉस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताया गया है और इसके साथ ही इसका मीनिंग बताया गया है। अब सेकेंड वर्ड को रीड करते हैं, यानी घूरना। ये वर्ड्स हमें दिए गए हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये दोनों वर्ड्स एफ से हैं। जब भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से वर्ड्स लिखते हैं तो हमें सबसे पहले उसके फर्स्ट लेटर को देखना होता है, और फर्स्ट लेटर के सेम होने पर हम सेकेंड लेटर को देखते हैं। इसका सेकेंड लेटर है आर आर, तो अब हम इसके थर्ड लेटर को देखेंगे। थर्ड लेटर है ओ, जो कि सेम है, तो हम फोर्थ लेटर की तरफ जाएंगे। इसका फोर्थ लेटर है एस और इसका फोर्थ लेटर है डब्ल्यू। एस डब्ल्यू से पहले आता है, इसलिए फ्रॉस्ट को पहले लिखा गया है और फ्रोन को बाद में लिखा गया है। ये है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फ्रोन ग्रामर के लिहाज से क्या है, ये वर्ब है यानी एक्शन वर्ड है। फ्रोन्स, फ्रोनिंग, फ्रोन्ड। अब यहाँ पर इसकी फॉर्म्स बताई गई हैं, ये इसकी बेस फॉर्म है, ये इसकी जेरेंट फॉर्म है और ये इसकी पास्ट फॉर्म है। व्हेन यू फ्रोन, जब आप घूरते हैं, यू हैव लाइंस ऑन योर फोरहेड, तो आपके माथे पर लकीरें आती हैं, बिकॉज क्योंकि यू आर एंग्री, आप या तो गुस्से में हैं और वरिड, या फिर आप परेशान हैं। फ्रोन यानी घूरना। तो यहाँ पर हमने टू वर्ड्स रीड किए, फर्स्ट है फ्रोस्ट यानी कोरा, सेकेंड वर्ड है फ्रोन यानी घूरना। इसके अलावा हमने देखा कि हम डिक्शनरी में एक वर्ड को कैसे ढूंढेंगे और उसको कैसे पढ़ेंगे। अब चलते हैं एक्टिविटी की तरफ जो इसी से रिलेटेड है। अब इस एक्टिविटी में हमने इसको लेबल करना है कि इसका मीनिंग कहाँ पर मौजूद है, पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ पर है और आया ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है या नहीं। वर्ड्स है हमारे पास फ्राई एंड फ्यूल। आप देख सकते हैं दोनों वर्ड्स के फर्स्ट लेटर सेम है, तो हम सेकेंड लेटर को देखेंगे। इसका सेकेंड लेटर है आर, जबकि इसका सेकेंड लेटर है यू। आर यू से पहले आता है, इसलिए फ्राई को पहले लिखा गया है और फ्यूल को बाद में, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब की तरफ एरो है, तो ये है पार्ट ऑफ स्पीच। फ्राई ये वर्ब है यानी एक्शन वर्ड है। फ्राइज, फ्राइंग, फ्राइड, ये इसकी फॉर्म्स हैं। ये इसकी बेस फॉर्म है, ये जेरेंट फॉर्म है और ये पास्ट फॉर्म है। व्हेन यू फ्राई फूड, जब आप किसी खुराक को फ्राई करते हैं, यू कुक इट इन हॉट फैट, तो आप उसको गर्म चिकनाई में पकाते हैं, ये है इसका मीनिंग। यहाँ पर फ्राई का मीनिंग आपको बताया गया है कि जब हम किसी भी खुराक को फ्राई करते हैं तो उसको हम बहुत सारे फैट्स यानी घी में या ऑयल में उसको हम गर्म करते हैं, जिसको हम आम जुबान में तलना कहते हैं। नेक्स्ट है फ्यूल, ये है नाउन यानी नेम ऑफ अ थिंग है, ये सिंगुलर है और इसकी प्लूरल फॉर्म होगी फ्यूल्स। इसको उर्दू में कहा जाता है ईंधन, से फ्यूल। अब यहाँ पर आपको इसकी प्रोनंसिएशन भी बताई गई है कि आपने इस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है। फ्यूल इज एनी थिंग, फ्यूल वो चीज़ है दैट पीपल बर्न टू गिव हीट और पावर, जो कि लोग जलाते हैं ताकि उनको हरारत और तवानाई मिल सके। ईंधन को जलाने पर हमें हरारत और तवानाई मिलती है, जिसको फ्यूल कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है, जिसमें हमने सीखा कि डिक्शनरी क्या है और डिक्शनरी को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अपने लिए ज़रूर एक डिक्शनरी ख़रीदें और उसमें वर्ड्स को ढूंढने की प्रैक्टिस करें। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टाइम टू थिंक, सोचने का वक्त।
रीड पढ़िए अबाउट योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, अपने पसंदीदा खिलाड़ी के बारे में ऑन द इंटरनेट इंटरनेट पर, एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट्स, और अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए। आपको यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है कि अपने फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में इंटरनेट पर रीड करें। बीइंग पाकिस्तानी, हम सबको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आप उनमें से अपने किसी भी फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में इंटरनेट पर पढ़ें। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ यहाँ पर, जैसे कि शाहिद अफरीदी, ये एक क्रिकेटर है, ये एक फास्ट बॉलर है जो अपने छक्कों की वजह से बहुत मशहूर है। इसके अलावा जहांगीर खान, ये एक स्क्वॉश प्लेयर है, वसीम अकरम, ये भी फास्ट बॉलर है। इसके अलावा इमरान खान, ये भी क्रिकेटर है। इसके अलावा पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर सियासतदान भी हैं। तो आप इनके बारे में इंटरनेट पर रीड कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए। आप इनकी पिक्चर्स भी इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और आप इनको टीवी पर भी डिफरेंट स्पोर्ट्स में देखते होंगे। तो यहाँ पर हमारा टाइम टू थिंक का टॉपिक एंड होता है। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के टॉपिक को कवर करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।